कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास कोई दो सोर्सेज हैं S1 और S2, और वो किसी पॉइंट P पर क्या कर रहे हैं, पॉइंट P पर वो आके मिल रहे हैं, पॉइंट P पर आके वो मिल रहे हैं, ठीक। तो इनके बीच में यदि पाथ का डिफरेंस, यहां पे लिखेंगे इफ S1P माइनस S2P, कोई सा भी इनमें से एक बड़ा हो सकता है, S1P ज्यादा हो सकता है S2P से, या S2P ज्यादा हो सकता है S1P से, तो उन दोनों के बीच के जो पाथ है उसका डिफरेंस जो होगा, इस पाथ को हम लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस को लिख सकते हैं Δx, Δx इज इक्वल टू दिस, ये यदि लैम्डा के मल्टीपल्स में होता है, यदि ये लैम्डा के मल्टीपल में होता है, यदि ये होता है एन लैम्डा के बराबर, वेयर एन इज इक्वल टू, एन एक आपके पास जनरल नंबर है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, इफ Δx इज इक्वल टू दिस, Δx इज इक्वल टू दिस, तो हम यहां पे Δφ के बारे में भी बता सकते हैं, और इसको नीचे लिख दूंगा एन वाली बात को, तो हम Δx को ये लिख सकते हैं कि Δφ हम जानते हैं क्या होता है बेटा, 2π/λ इंटू Δx, और Δx एन लैम्डा होना चाहिए, तो लैम्डा से लैम्डा गया, तो Δφ के बारे में भी रिलेशन बना सकते हैं दैट 2nπ यदि है, यदि फेज का डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में किसी पॉइंट पर 2nπ के बराबर है, और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आपके पास ये यदि वैल्यू है n की, फेज डिफरेंस जो है वो 2nπ के बराबर है, या Δx की वैल्यू n लैम्डा के बराबर है, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो 4 times I0 के बराबर होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a के बराबर होता है यदि दोनों के एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटियाँ बराबर हैं, यदि दोनों के एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज बराबर हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो 4I0 होती है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a के बराबर होता है, ठीक। तो ये रिलेशन आपको रखना है याद, ठीक है। आगे मैं सबसे लास्ट में ये भी बताऊंगा, यदि इनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होते हैं, इनकी इंटेंसिटीज अलग अलग होती हैं, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है ये क्या है साहब, आपकी कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के बराबर हो, या फेज डिफरेंस की बात करें, फेज डिफरेंस 2nπ के बराबर हो, और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a के बराबर होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 के बराबर होती है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं, और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे पेज नंबर 1 अब एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आपके पास एक सोर्स है S1 और यहां पे एक सोर्स है S2, और यहां पर कोई भी एक पॉइंट, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है P के बराबर, और ये पॉइंट P इस तरीके से सिचुएटेड है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है S1P और S2P, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है
वो 1.5 लैम्डा के बराबर है। कुछ इस तरीके से है कि S1P माइनस S2P जो है, यहाँ पे S2P ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको लिख देते हैं S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा। 3/2 लैम्डा के बराबर इनके बीच में पाथ डिफरेंस है, या लैम्डा बाय टू के बराबर इनके बीच में पाथ का डिफरेंस है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये हुआ कि ये मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 3.5 और ये आपके पास है 1, 2, 3, 4। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 4 वेव जो है समाई हुई हैं। ये 4 लैम्डा के बराबर जो वेव लेंथ है इस डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सिर्फ 3.5 लैम्डा के बराबर वेव लेंथ इसके बीच में आ रखी है। देखिए 3.5 लैम्डा कैसे, कि हम जानते हैं कि एक वेव की जो लंबाई है लैम्डा के बराबर होती है, तो एक पूरी वेव ये हो गई और एक आधी वेव ये हो चुकी है, तो 3.5 जो है लैम्डा के बराबर यहाँ जो है वेव ने कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 लैम्डा के बराबर यहाँ पे कवर किया है। यदि इन दोनों के पाथ का डिफरेंस यदि हम करें तो पाथ का डिफरेंस आता है लैम्डा बाय टू के बराबर। तो मैं यदि मान लेता हूँ, अच्छा ये लैम्डा बाय टू आ गया तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फेज डिफरेंस क्या होगा भैया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स विच इज लैम्डा बाई टू। सो लैम्डा से लैम्डा चला गया, आपको मिलता है यहाँ पे पाई, यहाँ पे मिलता है आपको पाई। तो पाई का फेज डिफरेंस इसके बीच में आ चुका है। अब आप मुझे बताइए सोचकर और कमेंट में लिखिए कि इस वेव और इस वेव में कौन फेज में आगे होगी और कौन फेज में पीछे होगी, और क्यों फेज में वो आगे है और क्यों फेज में वो पीछे है। तो आप इसको जो है आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी वेव इनमें से फेज में आगे होगी और पीछे होगी। तो यहाँ पे डेल्टा फाई जो है वो पाई के बराबर है। तो मैं यदि मानता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक y1 डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है, यहाँ से निकलने वाली वेव यहाँ पर जब पहुँचती है तो पॉइंट P को डिस्प्लेस करती है y1 के बराबर, और y1 की वैल्यू मैंने मान ली asin ωt के बराबर। तो दूसरी वेव जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी वो होने वाला है asin ωt - π के बराबर जो है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी। अब मैं यदि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 + y2। तो हो जाएगा आपके पास asin ωt प्लस asin ωt - π जो है, क्योंकि यहाँ पे पाई है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, और ωt - π को हम -sin θ लिख सकते हैं। तो बन जाएगा आपके पास प्लस ए, इसको तो एक बार ऐसे लिख दो, sin ωt - π। तो बन जाएगा आपके पास asin ωt - asin ωt। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 0 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y resultant is equal to 0। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, 0 के बराबर है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होगी, 0 के बराबर होने वाली है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 के बराबर होने वाली है, और हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ये बात कि यदि दो वेव्स के इंटरफेरेंस से रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाती है तो उस तरीके के इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ आफ्टर इंटरफेरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स 0, देन दिस इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशक, विनाशी इंटरफेरेंस इसको
कह सकते हैं। ठीक है साहब, अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो यहां पे हम लिखेंगे हेडिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां पे ये है कि मान लीजिए आपके पास दो सोर्सेज हैं S1 और S2। S1 और S2 जो हैं आपके पास दो सोर्सेज हैं और वो किसी पॉइंट P पर यहां से मिल रही हैं, वेव्स जो हैं वो P पॉइंट पर आके मिल रही हैं लाइक दिस। तो और इनके बीच का जो पाथ का डिफरेंस है, इफ कंडीशन लिख रहे हैं हम, इफ S1P - S2P कोई भी बड़ा हो सकता है, जो है मैटर कर रही है चीज वो इनका डिफरेंस है, यदि वो n+2 लैम्डा के बराबर है, n+2 लैम्डा के बराबर है, जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बराबर है, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यदि इस तरीके से पाथ डिफरेंस आपको मिल रहा है दो वेव्स के बीच में, या फिर हम इनके फेज डिफरेंस की बात करें, ये क्या है साहब, इनका पाथ डिफरेंस है, इफ डेल्टा एक्स लिख देना चाहिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट इज 2π/λ × डेल्टा एक्स विच इज n+2 × λ। तो लैम्डा से लैम्डा गया, आपको मिलता है यहाँ पे n+2 ऑफ 2π। ये आपके पास मिल रहा है फेज का डिफरेंस, जहां पे n की जो वैल्यू है वो अगेन कितनी है 0, 1, 2, 3, 4 के बराबर, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो क्या होता है कि रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वो तीनों के तीनों जीरो के बराबर हो जाते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाता है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी जीरो हो जाएगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। अब आप समझ गया है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लाइट की बात यदि करें, लाइट को यदि वेव माने और लाइट की बात करें, लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो चुकी है, इसका मतलब वहां पे डार्कनेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो लाइट के कुछ गलत तरीके से मिलने से वहां पे डार्कनेस भी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है साहब, तो ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, तो अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो यहां पे हम लिखेंगे सुपरपोजिशन, या पहले इनकोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन लिख देते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस। तो यहां पे डेफिनेशन में बिल्कुल उल्टा लिखेंगे जो कोहेरेंट की डेफिनेशन में लिखा था, कि ये ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनके बीच का जो फेज का डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज होता है, जो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन फेज डिफरेंस, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस, बिटवीन टू सोर्सेस इज नॉट कांस्टेंट, is not constant, then these sources are called incoherent sources, incoherent sources उन्हें कहा जाता है। और जब भी दो incoherent sources interfere करते हैं, मिलते हैं, चाहे उनकी frequencies जो हैं same हो, तो भी हमें कोई इंटेंसिटी का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पे हम साथ में ही लिख लेंगे सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इनकोहेरेंट, या इंटरफेरेंस लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ इनकोहेरेंट वेव्स इंटरफेरेंस कब कहते हैं, जब फ्रीक्वेंसी जो है दोनों सोर्सेस की एक समान हो,
तब उनके बीच में होने वाला जो सुपर पोजिशन है वो इंटरफेरेंस कहलाता है। इंटरफेरेंस में ही इंटरेस्टेड है, तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज फेज डिफरेंस इज चेंजिंग आर्बिट्रेरिली, इज चेंजिंग विथ टाइम लिख सकते हैं, चेंजिंग विथ टाइम, so we do not get any variation in intensity, variation in resultant intensity. Intensity. यानी कि जो दोनों लाइट की जो वेव हैं वो आपस में एक दूसरे से ब्लेंड नहीं होती हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा जो है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो 2I0 के बराबर होती है। यदि एक सोर्स की इंटेंसिटी I0 है, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी I0 है, तो दोनों जब मिलती हैं किसी पॉइंट पर, चाहे वो कोहेरेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो सेम फ्रिक्वेंसी की क्यों ना हो लाइट वेव, उनके जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो 2I0 के बराबर होती है। ऐसा लगता है एक के ऊपर एक रख दिया हो, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हो। लेकिन इससे पहले जब कोहेरेंट सोर्सेज की बात जब हमने की थी, तो वहां पे लाइट जो वेव्स थी अपना खेल दिखा रही थी, कभी इंटेंसिटी 4I0 हो जा रही थी, कभी इंटेंसिटी 0 के बराबर भी हो जा रही थी। तो ये हुआ आपकी इंटरफेरेंस, कि कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है। आपने देखा दो तरीके के इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो एन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा, और डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई के बराबर होनी चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वहां पे देखा था हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ का डिफरेंस है वो n प्लस हाफ इंटू लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और फेज डिफरेंस की बात करें तो n प्लस हाफ इंटू 2 पाई के बराबर होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट होता है वो 2a के बराबर होता है, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 4I0 के बराबर होती है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 के बराबर होती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 के बराबर होता है। अब यदि हम बात करें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव में कोहेरेंट सोर्सेज में और इनकोहेरेंट सोर्सेज में, तो कोहेरेंट सोर्सेज में दो आपको बता दिए टाइप इंटरफेरेंस के, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, और इनकोहेरेंट सोर्सेज जब इंटरफियर करते हैं तो उनके बीच में कोई भी हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज उनके बीच का फेज कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है टाइम के साथ, तो फिर कुछ बन नहीं पाता है उनसे। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी उन दोनों सोर्सेज से जो मिलती है वो 2I0 के बराबर होती है, यदि इंडिविजुअल सोर्स की इंटेंसिटी I0 है तो। ठीक है, आगे चलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।